एसएम न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए तफसीलात पर एक नज़र डालते हैं। कैसे आप साहब को हम मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आपको एक वफद की शक्ल में भी ले जाकर उनसे हम बात करवाएंगे। मैंने समझता कि ये चीज़ की इतला कैसे आप साहब को हूँ, क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं बड़े ही खुश अंदाज से उन्होंने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान करार दिया है, और न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि उसके अहतमान में जो भी करना है इकदाम भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं करीब 60 लोगों को उर्दू जानने वालों को अपॉइंटमेंट किया गया है, ये शुरुआत है। इसके बाद में जहाँ जहाँ भी जरूरत रहेगी उर्दू को पूरे तौर पर पूरे तेलंगाना में उसको ले जाने की बात उन्होंने कही है। लिहाजा मैंने समझता कि आप लोगों से कहीं नाइंसाफी होंगी, ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है, बीच में कुछ ऑफिशल्स उनके गुजरगुजार नहीं किए होंगे। हम ये जो भी बात के मसाइल हैं उसको मैं और डिपार्टमेंट साहब मिलकर हम आगे ले जाएंगे, ले जाकर आप लोगों के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश। मसला है इसके बारे में हमारे एमएलसी फरीद साहब ने बताया, इसमें आज इस प्रोग्राम को आए थे एमएलसी फरीद साहब, टीएमसी चेयरमैन हमारे नेशनल सिटी इंचार्ज विश्व कुमार साहब, हैदराबाद पटेल, इसके साथ साथ हमारे गोवर्धन साहब, सभी हमारे भाइयों के दोस्त। अभी ये जो समस्या है डेफिनेट अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर और हमारे अरविंद कुमार साहब के सामने पहले रखेंगे, उनको पूरा समझ देंगे, फिर उसके बाद में हमारे हरीश साहब के साथ मिलकर ये सब मसला पीएम साहब तक पहुँचा देंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश करें। केवल तो इतना सब काम करने के टाइम पे इतनी छोटी बात के लिए सीएम साहब कुछ ऐसा बाजू में रखेंगे ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कहीं ना कोई सुनने में या करने में कोई डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस जरूर हम सब मिलकर पूरा करेंगे, दूर करके। आपका जो एक्रेडिटेशन कार्ड का जो सब्जेक्ट है उससे आपको जो बेनिफिट मिलने वाले सब बेनिफिट आपके कम हो जाने की वजह से आपका जो नुकसान हो रहा वो हमारे लिए चिंता की बात है। जो आप कर रहे हो हमारे ध्यान में आ रहा है कि आप लोग मंडल लेवल पे जाने के लिए आपके पैसे रहते हैं, वहाँ पे प्रोविजन रहता नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। एक आप सराहना बोलते हो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना, कि जो 239 की वजह से आपको नहीं मिल रहे वो उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से पूरा अपील करके बात करेंगे, और इसमें जो भी अच्छा बन सकता है ऑफिशियल्स और मिनिस्टर साहब एम एस को लेकर हम जरूर काम करेंगे, आपको पक्का वादा करता हूँ आने वाले हफ्ते भर में इसके बारे में चर्चा। लोगों की से अपील है कि भाई आप तेलुगु के साथ उर्दू वालों के साथ भी इंसाफ करें, ऐसा ना हो कि जैसा 239 जियो है, अगर जियो के हिसाब से अगर देंगे एक्रेडिटेशन कार्ड को अगर